धरातल पर लाकर आज आपने देखा कि इतनी सुंदर सुविधा सामान्यतः घाटों पर ऐसी जगहों पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। मैं सुलभ शौचालय ग्रुप और श्री बिंदेश्वरी पाठक जी का बहुत आभारी हूं और हमारे पर्यटन विभाग के, हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी के हमारे डायरेक्टर भी हमारे साथ आए हुए हैं, जिन्होंने लगभग 6 करोड़ रुपये की राशि
काशी के सफाई आंदोलन के लिए विशेष तौर पर, और अब प्रयास ये है कि ये आंदोलन एक सतत प्रक्रिया के रूप में चलता रहे, प्रयास है कि चाहे कम या ज्यादा लेकिन सतत प्रक्रिया के तहत, एक कंटिन्यूस प्रोसेस के तहत ये प्रक्रिया चलती रहे और हमारा काशी हमारा भव्य हो, हमारा गरिमापूर्ण हो, स्वच्छ हो, इसकी पौराणिकता भी बनी रहे। और इसी दिशा में सभी मंत्रालय के लोग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। ऐसे हैं प्यारे नेता मोदी जी हमारे, वो धरती पे पांव मारे तो सोना निकल पड़े। Yeah.
5 करोड़ रुपए की राशि से जो भी यहाँ उपकरण सफाई के लिए मॉडल वगैरह वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। 10 सितंबर ऑलरेडी हम लोग खरीद करके यहाँ पर है और जिस दिन कुछ फंक्शन होगा उसको हम लोग देंगे। जो यहाँ की कॉरपोरेशन है उसके साथ मिलकर के हम लोग का चयन करेंगे जो मॉडर्न हो, जो सफाई कर सके और सस्टेनेबल। हम लोग उसकी रख रखाव भी करेंगे 2 वर्ष में। स्वच्छता के रूप हमारे देश की पौराणिकता, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति अद्वितीय है, लेकिन कहीं कहीं इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जिनके कारण हम कहीं पीछे आ जाते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण है सफाई। जो विदेशी देशी पर्यटक आता है वो खासतौर पर ऐसे धार्मिक पौराणिक स्थलों और पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता की कमी के कारण हमारी पर्यटन में भी कमी आती है, और खासतौर पर ऐसी नगरी काशी जिसमें विश्व में रहने वाला सनातन सभ्यता में कोई भी विश्वास रखने वाला व्यक्ति की एक बार अंतिम इच्छा जरूर होती है कि वह बनारस आए, काशी आए और यहाँ गंगा माँ का स्पर्श जरूर कर दे। हमारा प्रयास है कि वह जो पर्यटक यहाँ आए, यहाँ पर सारनाथ है, गंगा घाट की श्याम की महिमा है, अभी इसमें जो लेजर शो हम लोग लाइट एंड साउंड शो जो शुरू करने जा रहे हैं, हमारा प्रयास है कि वो पर्यटक 1 या 2 रात कम से कम यहाँ पर जरूर गुजारे, यहाँ की शाम की सौम्यता को और सौंदर्यता का देखें। ये हमारा सोच है और इसमें स्वच्छता का बहुत बड़ा योगदान है। आज सुलभ शौचालय के अध्यक्ष श्रीमान बुद्धेश्वरी पाठक जी भी आज आए हुए हैं, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत टॉयलेट परिसर आपके सामने आपने देखा है जिसकी शुरुआत आज हुई है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी हमारे यहाँ के म्यूनसिपल्टी के साथ, मेयर साहब के साथ मिलकर जो योजना बनाई है कि काशी की स्वच्छता का निरंतर काम, आज का जो मुख्य उद्देश्य जो दिव्य काशी जिस योजना को हमने नाम दिया है, कि सामान्यतः कई बार सफाई कार्यक्रम सीमित रह जाते हैं, शुरुआत कर कर वहीं खत्म हो जाने तक। प्रयास है कि इसके अंदर जो लोग जुड़े गए हैं, अभी जैसे करीबन 700 छात्र काशी विश्वविद्यालय के अभी एकत्रित होने के बाद वो ये संकल्प लेंगे कि मैं अपनी काशी में घाटों को सक्षम करूँ, और वह संख्या क्योंकि काशी में बड़ी संख्या है स्टूडेंट्स की वह बढ़ती जाए। इसी तरह NGO के माध्यम से भी हम किसी NGO को ये नहीं कह रहे कि साल में 365 दिन दें, अगर वह सप्ताह में 1 दिन दे सकते हैं, महीने में 1 दिन दे सकते हैं, तो उसकी उपलब्धता हम हेल्प कर रहे हैं जो जितना समय दे सकता है NGO के माध्यम से, सरकारी माध्यम, CSR के माध्यम से, जैसा जैसा आपने भी एयरपोर्ट अथॉरिटी और भी बहुत सारे कॉरपोरेट घरानों ने इच्छा जाहिर की है कि वो काशी और खासतौर पर घाटों की स्वच्छता, घाटों पर गाय माता ना जाए, उन पर गोबर और उस चीज़ की व्यवस्था की सफाई के लिए बहुत बड़ी अच्छी एक योजना हमारे सामने आई है, जिसमें उनका कहना है कि घाटों से कूड़ा इकट्ठा करके गलियां जो छोटी है बाहर ले जाना मुश्किल है, तो उन्होंने घाट से नाव के माध्यम से वह कूड़ा इकट्ठा होगा और वह घाट घाट होगी नाव कूड़ा इकट्ठा करके एक किसी ऐसे लेखा पर जाकर संपर्क के माध्यम से आगे। यह योजना भी एक आई है और मुझे उम्मीद है कि प्रयास करेंगे, हो सकता है उसमें शत-प्रतिशत कामयाबी ना मिले, लेकिन कामयाबी अवश्य मिलेगी, और मैं चाहूँगा कि पत्रकार बंधुओं का भी सहयोग और सुझाव इसमें रखें। हम और क्या कर सकते हैं इस विषय में, ये हमारी सरकार।